रिव्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनीष न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबर। 8वीं क्लास की लड़की की डॉक्टर की जांच के बाद परिजनों के उड़े होश। देहरादून निवासी एक महिला ने एक किशोर पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुराचार करने का आरोप लगाया है। थाना चक्राता में दी गई तहरीर के बाद महिला ने बताया है कि किशोरी ने उसकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती कर दिया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोप के खिलाफ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। देहरादून निवासी महिला ने चक्रात पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि थाना क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में उसकी नाबालिग बेटी कक्षा 8 में पढ़ती है। बताया जा रहा है कि अपनी मौसी के साथ रहती थी और वह महिला ने बताया है कि कुछ दिन पूर्व उसकी बेटी अपने घर आई और पेट में दर्द की शिकायत ले रही थी। जब वहां बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची तो चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया कि वह गर्भवती है, जिसके पेट में बच्चा भी है। बताया गया है कि बेटी के गर्भधारणा की बात सुनकर वह हड़ताल में मच गई थी और उसके बाद जब बेटी को मामले की पूरी जानकारी दी थी और बेटी ने बताया कि कॉलेज में ही पढ़ने वाले एक लड़के ने उसके साथ यह हरकत की है और संबंध बनाए हैं। थानाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह भाटी ने बताया है कि आरोप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। कहा कि मामले की गहनता से जांच करेंगे। जैकलिन के पक्ष में बोला ठग सुकेश, चिट्ठी लीक नोरा फतेही के खोली पोल। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक नए दिन कुछ ना कुछ अंधे का सामने आता है और जहां एक तरफ से केस में जुड़े बॉलीवुड के दो नाम अभिनेत्रियों के बीच खास मामला गरमाया गया है और वहीं दूसरी तरफ से इस केस में दायर होती यह चार्जशीट भी खुलने से हो रही है। और हालांकि इस पर केस में तहरीर पर सप्लीमेंट्री भी चार्जशीट भी दायर की गई है और इसके कई तरफ से खुलासे भी हो रहे हैं। और लेकिन इस अभी से बीच सुकेश ने जेल से एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें वह जैकलिन और नोरा फतेही के बीच चलने वाले विवाद के बारे में खुलकर बात की है और इस चिट्ठी में नोरा और जैकलिन के झगड़े में कई दफन राज भी खोले गए हैं। और तो चलिए जानते हैं आखिर सुकेश ने चिट्ठी में लिखा क्या है। सुकेश ने अपने द्वारा लिखी एक चिट्ठी द्वारा किए गए नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस की चिट्ठी थी और वह अभिनेत्री को छोड़ दिया था। और एक मीडिया संस्थान में रिपोर्ट में बताया है कि सुकेश ने कहा है कि जैकलिन और मैं सीरियल्स में रिलेशनशिप में थे और यही वजह है कि नोरा फतेही उससे चिढ़ती थी। नोरा की चिट पर वह तक बढ़ गई थी और वहां जैकलिन के खिलाफ वह भड़कना शुरू कर दिया था। नोरा चाहती थी कि वह जैकलिन को छोड़कर मेरे पास आ जाए और 10 बार फोन करती थी और लेकिन इस उसके बाद फोन का जवाब नहीं देता था। वह मुझ पर दबाव बनाती थी कि वह फोन करता रहूं। इसके अलावा सुकेश ने कहा है कि नोरा ने आर्थिक अपराध भी ब्यूरो के सामने अपना बयान भी बदल दिया था। नोरा और जैकलिन के बारे में बात करते के बाद अलावा इस चिट्ठी में सुकेश ने निक्की तंबोली के बारे में भी खुलासा किया है और चाहता खन्ना के बाद भी जिक्र किया है। सुकेश के मुताबिक निक्की तंबोली की और चाहत दोनों ही उसके केवल परेशवल की कामों के लिए ही जुड़े थे और सुकेश ने लिखा है कि निक्की तंबोली को चाहत खन्ना के केवल मेरे परेश्वर के सहयोग में देखा गया था और वो प्रोडक्शन का काम करते थे। आपको बता दें कि कल यानी खबरों की माने तो मुताबिक जैकलिन और नोरा फतेही के अलावा सुकेश में किसी और मॉडल के तार नहीं जुड़े हैं और यह दरअसल दिल्ली पुलिस द्वारा दायर किए गए याचिका में वह दावा किया गया है कि सुकेश के मिलते तिहाड़ में जैकलिन और नोरा फतेही के अलावा और मॉडल एक्ट्रेस आती थी और इसके साथ ही बहुत से खुलासे हुए हैं जिसके साफ था कि सुकेश को भी यह बावजूद आलिशान जिंदगी जीते थे। दृश्यम 2 के डायरेक्टर के घर में भी बजेगी शहनाई। बॉलीवुड का एक और कपल साथ फेरे लेने के लिए तैयार है। अजय देवगन की हालिया फिल्म दृश्यम 2 के डायरेक्टर अभिषेक पाठक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। वह अभिनेत्री शिवालिका ओबेरॉय से शादी करने के और शादी के बंधन में बंधेंगे और खबरों के मुताबिक शिवालिका में और अभिषेक की शादी फरवरी को होगी और शादी गोवा में होगी और इसके रस्में 2 दिन तक चलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक और शिवालिका के सगाई हो चुकी है और इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अभिषेक खुले सरेआम नीचे घुटने पर बैठकर उसके प्रपोज करते नजर आ रहे हैं। शादी में परिवार के लोग भी कुछ करीब लोग भी शामिल होने वाले हैं। बता दें कि शिवालिका ओबेरॉय के
खुदा हाफिज सीरियल की फिल्मों में नजर आई थी। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर हाईक्यूक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।